गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पहले दो वीडियो में अपन ने एसीटो एसीटिक एस्टर से पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण किया, दूसरा द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण किया, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण कर चुके अपन और एलिसाइक्लिक यौगिकों का संश्लेषण कर चुके। उसके बाद है कीटोन का संश्लेषण, मीन्स आपको एसीटो एसीटिक एस्टर से कीटोन बनाना है। सेम प्रोसेस है, एसीटो एसीटिक एस्टर की रिएक्शन सबसे पहले क्षार के साथ, क्षार अपन को वही काम में लेने हैं जो पहले अनुप्रयोग में काम में लिया, C2H5ONa सोडियम एथोक्साइड। क्षार क्या करेगा, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन रिमूव करेगा, C2H5OH का फॉर्मेशन हो गया और ये इनोलेट आयन बनेगा आपके पास CH3COCH नेगेटिव, मीन्स Na बन गया, Na प्लस CO, O, C2H5। अब इसकी रिएक्शन RX से कराते हो, एल्किलहाइड से कराते हो, R प्लस X माइनस, पॉजिटिव R अटैच होगा नेगेटिव कार्बन के साथ, NaX रिमूव हो गया, CH3CO CH R CO O C2H5। अब तक जितने भी आपने अनुप्रयोग किए हैं उन सारे अनुप्रयोग में आपने अम्लीय जल अपघटन कराया है, अब करवाएंगे अपन कीटोनी जल अपघटन। कीटोन नाम आ गया तो कीटोनी जल अपघटन, जो अम्लीय जल अपघटन से डिफरेंट होता है। यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे, अम्लीय जल अपघटन में अपन ने कार्बन कार्बन वाला ये बॉन्ड ब्रेक किया था, अब उससे अगला बॉन्ड ब्रेक करना है कीटोनिक में, कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, एच प्लस ऑक्सीजन नेगेटिव, CH3CO CH2R, कीटोन का सिंथेसिस हो गया CH3CO CH R प्लस C2H5OH प्लस CO2, ये सिंथेसिस हो गया कीटोन का। अब आपको कौन सी कीटोन बनानी है उसके आगे एप्लीकेशन दे रखे, पहला पूछ ले आपसे एथिल मेथिल कीटोन बनाओ, वो आपको बोले कि एसीटो एसिटिक एस्टर से एथिल मेथिल कीटोन कैसे बनाओगे, तो एथिल मेथिल कीटोन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको आरएक्स काम में लेना है। मतलब जो भी चेंजमेंट करोगे आप वो कहां पे करोगे, आर की जगह करोगे। एथिल मेथिल कीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH2CH3, मतलब R की जगह आपको क्या काम में लेना है, CH3X काम में लेना है। सबसे पहले एसीटो एसीटिक एस्टर की रिएक्शन आपको बेस के साथ करानी है, बेस Na बनाएगा, Na की रिएक्शन आप CH3X के साथ कराओगे, उसके बाद आप कीटोनी जल अपघटन कराओगे तो एथिल मेथिल कीटोन का सिंथेसिस हो जाएगा। वो आपको ये बोले कि मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन बनाओ, मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन का सिंथेसिस करो, मतलब एक एच और रिमूव करके आपको CH3 काम में लेना है, तो उसके लिए आपको कितनी बार रिएक्शन करानी पड़ेगी, दो बार। मतलब यही प्रोसेस आपको कितनी बार करानी पड़ेगी, दो बार। यहां दो मोल काम में लेने, यहां पे दो हो जाएंगे CH3X। तो जैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको RX यूज करना है। ये बनवा ले आपसे, मेथिल प्रोपिल कीटोन बनाओ, मेथिल प्रोपिल कीटोन बनाओ, तो R की जगह आपको क्या काम में लेना है, C2H5X, एथिल हैलाइड काम में लेना है। तो जैसा कीटोन का सिंथेसिस कराए वैसा ही RX यूज करना है, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं करना। हो गया कीटोन का सिंथेसिस। अगला एप्लीकेशन है डाई कीटोन का सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है, एक एसीटो एसिटिक एस्टर से डाई कीटोन का सिंथेसिस एग्जाम में पूछा जाता है। डाई कीटोन कैसे बनाओगे, डाई
डाई कीटोन बनाने के लिए आपको एसीटो एसिटिक एस्टर के 2 मोल यूज करने, 2 मोल काम में लेने। दो मोल की रिएक्शन सेम बेस से कराओगे, 2 बार दोनों बेस क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। A9 बनेगा, CH3CO, CH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, COC2H5, CH3CO, CH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, COOC2H5। अब इसकी रिएक्शन I2 से कराते हैं, अपन ने पहले भी किया है एक काम, I+ I-, यहां से रिमूव हो जाएगा 2 Na I और दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CO CH CH CO CH3 COO C2H5 और COO C2H5। अब इसका कीटोनीज जलपटन, एक मोल एसिटिक एस्टर का कीटोनीज जलपटन होता है एक बार, एक मोल H2O काम में लेना पड़ता है, यूज करना पड़ता है आपको। 2 मोल एसिटो एसिटिक एस्टर के हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको 2 मोल H2O काम में लेना है, 2 बार हाइड्रोलाइसिस होगा इस कंपाउंड का, H पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, सेम प्रोसेस है, कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव और H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, CH3 CO CH2 CH2 CO CH3, CH3 CO CH2, नीचे वाला कार्बन CH2 CO CH3 प्लस C2H5OH 2 C2H5OH प्लस CO2 CO2 2 मोल CO2। तो आपके पास CO2 फॉर्म हो गया, एल्कोहल फॉर्म हो गया और ये बन गया आपका कीटोन, डाइकीटोन, सॉरी कौन सा डाइकीटोन है, तो CO से अटैच कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा, उससे नेक्स्ट कार्बन गामा, मींस एक CO ग्रुप है आपके पास, उससे नेक्स्ट ग्रुप है गामा कार्बन पे, तो गामा डाई कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट बीटा डाई कीटोन का सिंथेसिस करना है, ये तो हो गया गामा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन, बीटा डाइकीटोन का सिंथेसिस करने के लिए आपको 1 मोल एसिटो एस्टिक एस्टर यूज करना है, उसकी रिएक्शन बेस से करानी है, बेस का वही प्रोसेस, H प्लस रिमूव करेगा अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, CH3COCl से कराते हैं, यहां से रिमूव हो जाएगा NaCl और पॉजिटिव कार्बन अटैच हो जाएगा नेगेटिव कार्बन से, CH3COCH3COOC2H5। अब इसका कीटोनी जलपटन, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराना है, कीटोनी जलपटन यहां से होता है, H प्लस ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस, CH3COCH2COCH3 CH3COCH2COCH3 प्लस C2H5OH प्लस CO2, ये आपका फॉर्म हो गया बीटा डाई कीटोन, CO से अटैच कार्बन अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट कार्बन बीटा, बीटा कार्बन पे प्रेजेंट है CO ग्रुप। नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गया आपका डाई कीटोन का सिंथेसिस, डाई कीटोन में अपन ने 2 देखे, गामा डाई कीटोन
एंड बीटाडाइकेटोन। लास्ट एप्लीकेशन, विषम चक्रीय यौगिकों का संश्लेषण, एसिटो एसिटिक एस्टर से आपको विषम चक्रीय यौगिक बनाने, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मली पूछा जाता है एसिटो एसिटिक एस्टर से विषम चक्रीय यौगिक, उसके तीन चार यूज है, कैसे बनाओगे? पहला, एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन करा दे, छोटा सा सिंपल सा, ये लो एसिटो एसिटिक एस्टर, इसकी रिएक्शन यूरिया से करा दे, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 यहां से H2O रिमूव हो गया और यहां से C2H5OH रिमूव हो गया, बाकी अटैच कर दो CH3 C डबल बॉन्ड N CO NH CO CH2। इस कंपाउंड का नाम है 4-methyl uracil। ओके, नेक्स्ट वीडियो में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।